मतलब छान लो अच्छी तरह। तो छानना है पापा इसको? नहीं नहीं ऐसे ही मोटा मोटा हिला दो, कोई छानने जरूरत नहीं, इसमें डाल दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों का टैटू कलेक्टर सिद्धार्थ। आई होप सारे अच्छे होंगे। सो गाइस, आ गया हूँ मैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, और आज का व्लॉग होने वाला है कमेंट के हिसाब से। तो लास्ट कमेंट मेरे को आ रखा था कि पाम ट्री पे आप मिट्टी की वीडियो बनाए, तो गाइज मैंने पापा से बोला हुआ है, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पाम ट्री की मिट्टी आप लोगों को कैसे बनानी चाहिए। और लास्ट व्लॉग में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस वाले व्लॉग के लिए भी प्यार देना और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको कुछ ना समझ आए तो। और उन चीज़ों दिखाने से पहले मैं आपको आज अपना रूम टूर कराने वाला हूँ, अपना कुछ कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, कुछ आर्ट वर्क्स भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको, और कमेंट करना है कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो चलो मैं आपको पहला रूम दिखाता हूँ अपना। तो रूम में सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है ये वाली वॉल, ठीक है। तो इस वॉल के बारे में मैं आपको अच्छी तरह बताता हूँ। जो आप पहले वाली देख रहे हो वो गणेशा है, और कस्टम आर्टवर्क किया हुआ है नेपाल के एक टैटू आर्टिस्ट ने, जिन्होंने बैक पीस भी की हुई है मेरी। और ये जो नीचे आप काली माँ देख रहे हैं ये भी इन्होंने ही बनाई है, और आप इसकी डिटेलिंग देखो। फिर आ जाती है बात इसकी, तो ये मैंने एक मैगज़ीन में से निकाला था, मुझे किसी ने दिया था, मैगज़ीन का एक पेज था, तो इसको बोलते हैं स्कल, और ये पूरा स्केच किया हुआ है। और फिर आ जाती है बात इसकी, ये है ड्रैगन, और मैं ये नेपाल इंक में गया था तो वहाँ से मैंने ये ली थी, और मुझे दी थी उन्होंने टैटू आर्टिस्ट ने। और ये है निको राडो, हमारी इंडस्ट्री के एक लेजेंड बंदे उनका। और ये जो देख रहे हैं आप स्नेक विद एरो, तो ये जो मेरे पेट पे जो जिन्होंने टैटू बनाया था ना, रशियन आर्टिस्ट है, उन्होंने बना रखी है ये वाली। देन उसके बाद आप ये देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, और ये भी एक टैटू आर्टिस्ट ने मुझे गिफ्ट करी है, जिसमें लायन और पूरे जंगल की पूरी थीम है, ये देखो। फिर उसके बाद आया था ये, और ये मास्क ना आपका वुडन का है, लकड़ी का हैंडमेड बनाया हुआ, और ये मैं नेपाल इंक से ही लेके आया था, और ये भी मैं नेपाल इंक से लेके आया था, देखो। फिर आ जाती बात उसके बाद ये सिग्नेचर की, ये हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड है पॉल बूथ, तो उनका दिया हुआ है ये। तो और देख रहे हो ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखवा रखी है, एच लिखवाना भूल गया था, नर्वस था मैं बहुत ज़्यादा, पहली बार आते ना जैसे तो बहुत ज़्यादा नर्वस था। ये देखो आप, ये भी एक जो टी शर्ट वगैरह प्रिंट कराते तो उन्होंने पूरा डॉट वर्क करके बना रखा है, ये राहुल नाम है उनका। फिर आ जाती बात उनके बाद ये नेपाल के, ये जो दोनों आर्टवर्क आप लोग देख रहे हैं ये नेपाल के टैटू आर्टिस्ट ने बना रखा है सेम। ये वाली गैलेक्सी थीम है, और ये वाली बायो ऑर्गेनिक करके बोलते हैं वो वाला है। और फिर आ जाते ये लायन टाइगर विद स्नेक, तो ये वाली आर्टवर्क भी इन्होंने ही बनाई है, जिनके ये दोनों सिमिलर आर्टवर्क हैं। फिर आ जाते हैं उसके बाद ये मेरे फैन ने बनाई है, तो यार ये कैसे लगी है तो ज़रूर बताना, ये देखो। और ये भी सेम जैसे वो स्केच करा हुआ था वो है, और ये भी मेरी फैमिली। और उसके बाद ये वॉल खाली है, इस वॉल पे बहुत ज़्यादा काम कराना है अभी, तो ये वॉल अभी खाली रखी हुई है। यहाँ है मेरा बेड, और ये रहा यहाँ पे मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, ये देख सकते हो आप। ये मेरे कुछ शूज़ के कलेक्शंस हैं, मेरे को वेंस ऑफ द वॉल के शूज़ बहुत पसंद है, ये देखो, ये H&M है, ये एडिडास है, यहाँ कैल्सिडो का है, वन ऑफ माई बेस्ट कलेक्शन। ये कपड़े हैं, और ये है सबसे मेन वॉल, मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई अभी तक की, ये मेरे सारे मेडल्स हैं, ये देखो। सबसे पहले आया था मेरा ये वाला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, दूसरा आया था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तीसरा आया था OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और ये रहा चौथा जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, और पांचवा ये रहा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ऊपर मेरे कुछ फेमस फोटोग्राफर्स हैं, उनकी फ़ोटोज लगी हुई हैं, ये देखो। और ये रहा मेरे, और अभी रूम को बहुत ज़्यादा तैयार करना है तो इसमें टाइम लगेगा, तो अभी जितना मेरे को हो सकता था मैंने आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से बोल रहे हो कि रूम दिखाओ रूम दिखाओ। तो आपको मेरा रूम कैसा लगा हो यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना,
और कौन सी वॉल सबसे ज्यादा अच्छी लगी तो वो भी मुझे बताना है। बाकी चलो यार पापा, वो पापा सुबह लग चुके काम पे, ये देखो। और मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी है कि पापा को एक कमेंट आया था कि पाम ट्री की मिट्टी कैसे बनाए। पापा सभी की हेलो बोल दियो। सबको मेरी तरफ से हेलो। और अभी पाम ट्री की मिट्टी के लिए आपके लिए कमेंट आया था कि पाम ट्री की मिट्टी कैसे बनाए, क्योंकि पाम ट्री आपके बहुत ज़्यादा बड़े और के ना। इसलिए मिट्टी बता रहा हूँ मैं, कैसी मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी कितनी डालनी, कौन सा खाद कितना डालना है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। आज क्लियरली सबको बता देंगे। पहले सबसे पहले हेलो बोल दियो सभी की। सबको मेरी तरफ से हेलो। तो चलो स्टार्ट करते हैं पापा। और ये मिट्टी है, मैंने 4-5 गमले की खाली करी थी, ये मेरे गमले की मिट्टी बनाई है। शक्ल देखो, ये एक गमले की मिट्टी बता रहा हूँ आपको, एक पाम की कितना डालना चाहिए। ये है 2 डिब्बे, ये चलिए 2 किलो। और ये नॉर्मल मिट्टी है जो आजकल पुल बने, ये मिट्टी की शक्ल देखो और इस मिट्टी की शक्ल देखो कितना फर्क है। इसमें ये डाल रहा हूँ, ये मिक्स कर दिया। ये हो गया। और ये है राख है, ये उबले के राख है, लग जाए तुम तंदूर के कोले के राख हो, ये भी इसमें मिक्स करने पड़ता है। ये बता रहा हूँ, ये राख इसलिए होता है कि इसमें कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे तुम्हारे पौधे में। ये राख एक डिब्बा डाल दिया। और ये है ये बता रहा हूँ आपको, ये देखो ये कोकोपीट है, नारियल का बुरादा जो भूसा होता है उसकी कोकोपीट है। ये सूखा है और मैंने इसको भिगो के ऐसे रखा है, इसको पानी भिगो दो रात को और फूल की बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये है कोकोपीट बोलते हैं इसको, ये कोकोपीट मिलाना पड़ता है। ये डाल दिया इसमें कोकोपीट, ये देखो ये कोकोपीट हो गया। और इसमें से जो मोटे मोटे ये पत्थर जैसे आते हैं इसको अलग कर दो यहाँ डाल के, मतलब छान लो अच्छी तरह। छानना है पापा इसको? नहीं नहीं, ऐसे ही मोटे मोटे हिला दो, कोई छानने की जरूरत नहीं, इसमें डाल दो। ये पाम की मिट्टी तैयार होगी, एक गमले की आपको एक गमला लगाना है, ये मिट्टी उसके लिए काम होगी। तो इसमें पानी वगैरह जो भी डालना है? पानी में अभी इसका खाद बनाऊँ आपको बता दूँ। तो जो पिछले वीडियो में जो पानी बनाया था वो अभी इसके बाद उसको बता दूँ आपको क्या क्या करना करके। सो गाइज ये देखो पाम की मिट्टी बन चुकी है, ये पापा बनाते हैं, ये देखो अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। बाकी अगली वीडियो में पापा जो पिछली बार अच्छी तरह बताया नहीं था ना आपको, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। और पाम इतने अछे कैसे हो रहे हैं, और ये देखो कितने 7 फुट 8 फुट के पाम हो गए इनको 2 साल। पहले पाम इतना छोटा, ये छोटा पाम लाया पहले, यही पाम आपको 2 साल में ऐसे ऐसे दिखा दूंगा। ये छोटा है अभी, ये 5 महीने का हो गया, ये नया लेके आए हैं, ये छोटा है अभी। इसकी मिट्टी भी तैयार हो चुकी है, देखो मिट्टी तैयार हो गई है और इनकी भी मिट्टी तैयार हो रखी है। देखो ये देखो बढ़िया मिट्टी देखो ना, कैसे एक एक बुरा इसमें कोई डेला है, ये ऐसा होता है, ऐसे पानी दो कीड़े येड़े कुछ नहीं लगते हैं, आप देखो ना पहले। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि पाम ट्री की मिट्टी कैसे बनाए। और हम लोग जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो दोबारा से बनाने वाले हैं खाद के ऊपर, जो पिछली बार आपको चीज़ें नहीं समझ आई थी, तो इस बार थोड़ी डिटेल में आपको चीज़ें समझाएंगे कि खाद में कौन सा पानी डालना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। बाकी इस वाले व्लॉग में भी आप प्यार देना, कमेंट करना है कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉच माय वीडियो, बाय बाय।